हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव मोशन इन 2D एंड टू अंडरस्टैंड रिलेटिव मोशन इन 2D वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स लाइक रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजिशन वेक्टर एंड चेंज ऑफ फ्रेम, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक सम प्रॉब्लम्स एंड बाई दैट प्रॉब्लम्स यू विल बी फैमिलियर विद दिस टॉपिक. Okay, so first of all, as you know that motion is a relative term. It means to describe motion we have to take some reference. Then here to specify the position of any point or object we are taking a coordinate system. Here as you see, here this is the x-axis, y-axis and z-axis, and the intersecting point of these axes is the point O, which is called origin. Then here if I show the position of point A with respect to O, then O will be called reference point. O will be called reference point. In the same way, for the point B, if I take O, it means I am showing the position of B with respect to O, then here O, origin O is the reference point. Now next is the frame of reference. What is the frame of reference? If in this coordinate system I add a clock, then this coordinate system with time will be called a frame of reference. Then here we should notice this point that this frame of reference may be in rest or may be in motion. For example, if any bus is moving on the road and if some person on the road is noticed to the motion of the bus, then here frame of reference will be that person with the ground. इट मीन्स द ग्राउंड विल बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जो पर्सन है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है उस बस के मोशन की. लेकिन यदि उसी रोड पर, ऑन द सेम रोड, देर इज एनी कार विच इज मूविंग एंड सम पर्सन इन द कार इज नोटिस टू द मोशन ऑफ द बस, देन हेयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इन द मोशन विच इज द कार. इट मीन्स जो कार के रेस्पेक्ट में वो बात ही करेगा, वो कार के रेस्पेक्ट में बस के मोशन को यदि वो बता रहा है कि कार के रेस्पेक्ट में बस कितना आगे जा रही है या फिर वो कितनी पीछे, वो पीछे से उसका मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका मोशन में है. तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये आपका रेस्ट भी हो सकता है और ये आपका मोशन में भी हो सकता है. नेक्स्ट आपका है पोजिशन वैक्टर. अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या होता है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, सॉरी पॉइंट ओ है और यहाँ पर आपका ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए का ओ के रेस्पेक्ट में यदि हम देखें तो हम एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए. तो ये जो वेक्टर ओ ए है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. तो यहाँ पर हमने यहाँ डिफाइन भी किया है, इफ वी ज्वाइन द ओरिजन टू द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल बाई अ स्ट्रेट लाइन, बाई अ स्ट्रेट लाइन एंड पुट एन एरो टूवर्ड्स द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, देन वी गेट द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल. तो हियर ओ ए इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट ए. यदि यहां पर कोई पार्टिकल है देन पार्टिकल ए. इन द सेम वे यहां जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी का जो पोजिशन वेक्टर है वो आपका ओ बी होगा. अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां पर जो ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो मान लीजिए आपका ए एक्स ए वाई ए जेड है, और यहां पर जो बी है इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो आपका है बी एक्स बी वाई बी जेड.
अब यहां पर जो आपका वेक्टर ओ ए है, ये आपका क्या निकल के आएगा, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए, इसे हम एक नाम और देते हैं आर ए, किसी किसी बुक में आपको ये कह जगह आर ए लिखा मिल जाएगा, तो इसे हमने एक नाम और दे दिया वेक्टर आर ए। तो ये जो वेक्टर आर ए है या ओ ए है, दिस विल बी इक्वल टू, इन द टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के विल बी इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इन द सेम वे जो वेक्टर ओ बी है, बी का जो पोजिशन वेक्टर है वो क्या है, ओ बी है, ओ बी, ओ बी, इसे हम आर बी भी नाम दे सकते हैं, आर बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यदि बी एक्स बी वाई बी जेड से कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस आर बी विल बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। अब यहां पर हमें ए और बी का पोजिशन वेक्टर पता है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, और अब हमको ये बताना है कि बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजिशन क्या है, या फिर आप देखते हो कि ये वास्तव में क्या है, ए बी क्या है, ए बी डिस्प्लेसमेंट है। तो यदि हमको ये बताना है कि कोई पार्टिकल ए से बी तक जाएगा, तो उसका हम जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे शो करेंगे, तो हम पोजिशन वेक्टर की हेल्प से उसको शो कर सकते हैं। कैसे, यह आपका हो जाएगा, हमको बताना है ए बी, वेक्टर ए बी हमको शो करना है, तो ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल है वो ए से बी पर गया है, पार्टिकल ए से बी पर गया है, तो जब ए से बी पे जा रहा है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है वो हम क्या लिख रहे हैं, ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, ये रिलेशन आया कहां से, आप यदि आपने ट्राइंगल वेक्टर का ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, आपने वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, तो आप इस रूल को आप समझ सकते हो कि हम आपका ये पहला वेक्टर हमने ड्रॉ किया, हमने आर ए ड्रॉ किया, फिर हमने ए बी ड्रॉ किया, और जो रिजल्टेंट है आपका वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक है। तो आप देख रहे हो रिलेशन आपका ट्राइंगल लॉ से आ रहा है ये रिलेशन, ठीक है। तो आपका ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, या फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ए बी प्लस ओ ए, ए बी प्लस ओ ए इक्वल टू ओ बी आ रहा है आपका। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वेक्टर ए बी, यदि आप यहां पर ओ बी और ओ ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी आपका ये है और ओ ए ये है, तो दिस माइनस दिस होगा आपका बी एक्स माइनस ए एक्स आई, बी एक्स माइनस ए एक्स आई प्लस बी वाई माइनस ए वाई जे, बी एक्स माइनस ए वाई जे एंड प्लस बी जेड माइनस ए जेड के, बी जेड माइनस ए जेड के। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको ए बी मिल गया, वेक्टर ए बी मिल गया, जो एक तरह से क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जब हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, ये हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसकी हेल्प से मिला है, ये हमको पोजिशन वेक्टर की हेल्प से मिला है। तो यदि हम क्या करें, इसी को यदि हम डिवाइड कर दें फ्रॉम द टाइम इंटरवल, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द वेलोसिटी, है ना। तो नाउ हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपका है चेंज ऑफ फ्रेम, चेंज ऑफ फ्रेम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ फ्रेम की।